बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलोज किचन। आज हमने ट्रामाजू बनाया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एक कप गरम पानी लेंगे, उसमें हम 1 टेबलस्पून कॉफी को डिसॉल्व कर लेंगे। ये हमारे फिंगर बिस्किट्स को डिप करने के लिए, मगर हम इसको आप ठंडा करेंगे, गरम गरम में हम डालेंगे तो बिस्किट सॉगी हो जाएंगे। तो अब हम इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं। 300 ml व्हिपिंग क्रीम को हम इसमें डाल के सॉफ्ट पीक होने तक हम इसको व्हिप करेंगे। स्लो से स्टार्ट करेंगे और फिर हाई स्पीड पे ले जाएंगे और 4 से 5 मिनट अच्छे से इसको व्हिप करेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट पीक ना हो जाए। ये हमारी क्रीम जो है वो व्हिप हो गई है। अब हम इसे किसी बोल में निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसी में अपनी चीज भी मिक्स करेंगे। क्रीम चिल होनी चाहिए ताकि ये इस तरह से सॉफ्ट पीक हो जाए, लेकिन चीज क्रीम जो है वो आपकी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। उसे आप निकाल के रख दें फ्रिज से ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब हम इसको साफ करके इसी में क्रीम चीज को दोबारा व्हिस्क करेंगे। इस क्रीम को मैं, जब तक हम क्रीम चीज को व्हिस्क करेंगे तब तक हम इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये इसी पोजीशन में रहे। अब हम इसमें 340 ग्राम्स क्रीम चीज जो है रूम टेम्परेचर पे, उसको ऐड करके उसको मिक्स करेंगे। पहले इसको थोड़ा चला लेते हैं, फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 100 ग्राम्स आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे और इसको फिर से मिक्स करेंगे, जब तक कि ये दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए और क्रीमी हो जाए। ये हमारा क्रीम चीज और शुगर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे जो हमारी व्हिप हुई हुई क्रीम है उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे। इसको जेंटली सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब हम ये बिस्किट्स लेंगे और बस थोड़ा सा डिप करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, और इसको सेट करते जाएंगे। हमें इसको सॉगी नहीं करना, सिर्फ हल्का सा डिप करेंगे हम कॉफी में। बहुत ज्यादा कर दिया तो सॉगी हो जाएगा और फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसकी लेयर लग गई। अब हमने जो ये बनाया है हम इसकी एक लेयर लगाएंगे। इसको हाफ में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हम इसकी 2 लेयर्स करेंगे। इसको चारों तरफ इससे कवर कर लेते हैं। ये हमने चीज और क्रीम के मिक्सचर से इसको पूरा कवर कर लिया है। अब हम सेकेंड लेयर देंगे, सेम यही प्रोसेस जो है हम रिपीट करेंगे। अब हम इसको बाकी के हाफ से कवर कर देंगे, इसको पूरा फैला देते हैं। ये सारा कवर करने के बाद हम इसको ओवरनाइट जो है
वो फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको अच्छे से पूरा कवर करेंगे। ये हमने सेकेंड लेयर भी इस पे लगा दिया अच्छे से। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट सेट होने के लिए। जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर जब ये सेट हो जाएगा तो फिर हम इस पर कोको पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और सर्व करेंगे। अब मैं इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखने के लिए जा रही हूँ। ये ट्रेमेजो हमने 24 आवर के लिए रख दिया था। अब हम इस पर कोको को स्प्रिंकल कर देंगे सर्व करने से पहले। ये सेट हो गया है। अच्छे से इसको कवर कर देंगे कोको से। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। मजेदार से ट्रेमेजो को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।